खबर शामिल करते हैं कोयटा से। कमीशन कोयटा के जारी करदा एक एलामिया के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गैस कंप्रेसर गैस सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कंप्रेसर गैस सेक्शन पंप पहले ही ममनू है और गैर कानूनी है, लेकिन इस्तेमाल हो रहे हैं और कोयटा शहर और गिरदोनवा में लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है और तरजीह बुनियादों पर शहर और मजूफात में गैस सेक्शन पंप्स की फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया जाएगा। वटगाड़ी के ड्राइवर ने टिकटॉक बनाते हुए बुजुर्ग शख्स को कुचल दिया। खजदार वड में जम्बाद गाड़ी के ड्राइवर ने टिकटॉक बनाते हुए यूनिवर्सिटी क्रॉस के करीब बुजुर्ग शहरी को कुचल दिया, जो मौके पर जां बहक हो गया। अतलात के मुताबिक वड में जम्बाद गाड़ी के ड्राइवर ने दुराने ड्राइविंग टिकटॉक बनाते हुए बुजुर्ग शहरी को कुचल दिया, जो मौके पर ही जां बहक हो गया। लाश को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। कोयटा कतलात में नामालूम मसलाई अफराद ने फायरिंग करके शुएब वल्द मास्टर नूर सकना गजाक कतलात को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। रिपोर्ट नसीमुल्ला मुगल, डीएनए न्यूज़, कोयटा।